या सरकारी योजनाएं से जो भी पैसे आते हैं उसको आप डायरेक्टली अपने खाते में पाना चाहते हैं, राइट? तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एप्लीकेशन को यूज करके आप अपने सरकारी योजनाओं का जो भी लाभ होता है उसे डायरेक्टली अपने खाते में कैसे ले सकते हैं, जो भी पैसे होंगे उसको कैसे ले सकते हैं। भैया देखिए, यहाँ पे अगर बात की तो भाई जमाना हो चुका है डिजिटल, और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इस एप्लीकेशन को यूज करके आप जो है इस काम को और भी इजिली कर पाएंगे, ठीक है? ना ही आपको किसी साइबर कैफे में जाने पड़ेंगे, ना ही कुछ करना पड़ेगा, बस आपको सिंपल कुछ स्टेप्स को फॉलो करने हैं, देन आपके जो है पैसे सारे आपके वैलेट में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे चल रहा है एक छोटा सा गिव अवे, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए भैया आपको अपना प्यारा सा पेटीएम नंबर कमेंट कर देना है, देन वीडियो जो है अंत तक देख लेना, बस इतना ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो भैया इस एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे कि आप मेरे यहाँ पे होम स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है भैया उमंग, जैसे कि आप टाइटल, थंबनेल और यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो इसका लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो जाइए चेकआउट कीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बट उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ प्ले स्टोर पे, देन प्ले स्टोर पे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि एप्लीकेशन जो है किस तरह से हाई रेटेड एप्लीकेशन है। तो यहाँ से देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस तरह से दिखता है, उमंग एप्लीकेशन। तो भैया नीचे स्क्रॉल करके आएंगे नीचे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में आपको सबसे पहले ये मिलता है कि एप्लीकेशन भैया 10 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोडिंग है, यहाँ से देख सकते हैं। देन यहाँ पे अगर बात की जाए रिव्यूज की, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1,03,000 से ज्यादा इसके रिव्यूज है, 4.3 के यहाँ पे रेटिंग्स है। तो अगली अगर बात की जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे बैनर पोस्टर्स मिल जाते हैं इस एप्लीकेशन से रिगार्डिंग रिलेटेड। तो चलिए इसको मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ। देन यहाँ पे अगर बात की तो आपको मिलता है इसका लोगो, और यहाँ पे अगर बात की तो देख सकते हैं इजिली सिंपल स्टेप्स जो है इसमें लॉग इन होने का प्रोसेस है, जो कि मैं आपको बता ही दूंगा। देन आगे की तरफ अगर बात की तो आपको मिल जाते हैं इस तरह से देख सकते हैं आपको अलग अलग जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट का जो भी यहाँ पे स्कीम्स है उससे रिलेटेड आपको। देन आगे की तरफ यहाँ पे स्किल किया जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट फिल्टर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जो है रीजनल से रिलेटेड जो भी बैंक वगैरह सब भी आप यहाँ पे जो है शॉर्ट बाई यहाँ पे आप क्लिक करके जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन लिखा हुआ आ रहा है, एनर्जी लिखा है, तो जैसे कि आप जहाँ से आप चाहे उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो देख सकते हैं स्क्रेच टू एक्सेस ट्रैवल, यहाँ पे देख सकते हैं रिलेवेंट, यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस, तो जो भी सर्विस वगैरह है एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे 10th और 12th से रिलेटेड जो भी छात्रवृत्ति वगैरह होता है उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। यहाँ पे अगर बात की देख सकते हैं उमंग प्रोफाइल, तो आपको भी अपना प्रोफाइल देन यहाँ पे क्विक अप इंसर्ट करना पड़ता है। देन यहाँ पे नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी है यहाँ पे फुलफिल करना होता है। देन यहाँ पे अगर बात की तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं स्टे, यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्म्ड यू स्टेट कनेक्टेड, तो यहाँ से देख सकते हैं नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको जो भी आपके प्रोसेस होंगे, जैसे कि आप किसी योजना के लिए अप्लाई करते हैं, देन अप्लाई करने के बाद भी यह होता क्या है कि आप इससे जो है इसके आप नोटिफिकेशन पल पल पा सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ अगर बात करें तो इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं ओपन पर टैप करता हूँ, देन टैप करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है, जैसे कि आपको इसका लोगो दिखाया जाता है। तो जैसे कि आपको वीडियो के यहाँ पे बैनर पोस्टर में ही दिखाया था कि इस एप्लीकेशन में जो है लॉग इन करना एकदम से आसान है। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए आ जाता है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आगे की तरफ यहाँ पे अगर बात की तो थोड़ा सा लोडिंग का यहाँ पे दिखाया जाता है। देन यहाँ पे आपको मिल जाता है एक एग्री करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड यहाँ पे एक शॉर्ट, देन यहाँ पे आपको चेक इन कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है इसको चेक इन कर देता हूँ, देन यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यू कैन चेंज योर ऐप, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है आपके प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ बातें, और सबसे पहले यहाँ पे मैं टैप कर देता हूँ। देन टैप करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित से रिलेटेड एक अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है, जो कि यहाँ पे स्वयं एप्लीकेशन के बारे में दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको स्वयं एप्लीकेशन के बारे में बताया था, तो वो अगर नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड एक मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपको मिल जाता है। देन यहाँ पे देख सकते हैं आयुष्मान भारत से रिलेटेड, उज्ज्वल गैस, सौभाग्य यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रधानमंत्री यहाँ पे देख सकते हैं मुद्रा योजना, और यहाँ पे देख सकते हैं सचिन, यहाँ पे देख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान। तो यहाँ पे जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं उससे रिगार्डिंग यहाँ पे आपके मिल जाते हैं पोर्टल, इसमें आप विजिट करके इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कर देता हूँ आवास योजना के बारे में, ठीक है, देन मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो आवास योजना ये वाला रहा,
तो देन इस पर टैप कर दूँ, देन टैप कर दूँ बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करता है, देन इसके बारे में आपको थोड़ा सा ओपन होता है तो यहाँ पे लोडिंग लेता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्कीम से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स दिया जाता है, देन FQS यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड आपको दिया जाता है, देन डाउनलोडिंग यहाँ पे आप जो है अपने स्टेट से रिलेटेड आप जो भी PDF वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं तो ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इस योजना के बारे में बताया कि जैसे कि आपके पैसे जो भी होते हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके थ्रू डायरेक्टली आप अपना पूरा इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बेनिफिट्स, यहाँ पे देख सकते हैं अगेंस्ट द वैलिडेटेड, यहाँ पे देख सकते हैं डिमांडेड डिमांड फॉर यहाँ पे हाउस फॉर 1.12 करोड़, यहाँ पे देख सकते हैं साइज फॉर द हाउस फॉर, यहाँ पे देख इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं इज 30 स्क्वायर्ड, यहाँ पे एम्प्टी इन, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इसी आवास योजना के बारे में दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया जाता है कि आपको जो भी दिया जाएगा आपको यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको जो है दिया जाता है 1 लाख पैड पर हाउस, तो यानी कि ये घर बनाने के लिए भी आपको 1 लाख रुपीज़ आपको दिया जाता है इस योजना के थ्रू। और यहाँ पे जान सकते हैं इसके बारे में आप जो है जान करके, साथ में आपको मिल जाता है यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, साथ में यहाँ पे PDF जिसको आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं इसके बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। एक क्यूज पर टैप करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं हाउस उसके बारे में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन क्वेरीज आप लोगों के हैं जिसके बारे में आप जान सकते हैं। तो यही था, और आगे की तरफ अगर पढ़ा जाए यहाँ पे देख सकते हैं तो इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, देन स्क्रॉल करने बाद में यहाँ पे देख सकते हैं एक्यूरेट, यहाँ पे देख सकते हैं वेदर फोर्स फ्रॉम दी इंडिया, यहाँ पे देख सकते हैं मैं कॉल कर यहाँ पे डिपार्टमेंट, तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाते हैं तो जिसके बारे में आप आसानी से यहाँ पे जान सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक और यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे जैसे कि वृद्धा पेंशन जो है जो मिलता है लोगों को वो वाला के बारे में भी आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल सर्विसेज, यानी कि आप जो है ऑल सर्विस के बारे में यहाँ पे टैप करके जान सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको है कि सारे सरकारी योजनाओं के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर बात करें तो आधार कार्ड SCTV, यहाँ पे देख सकते हैं APKS, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है अंत्योदय सरल, और ये सब आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जो भारत गैस वगैरह जो भी है, तो ये सारा मैंने आपको बताया। ये तो सबसे पहले अगर बात की तो मान लेते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे अगर बात की तो मैं आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ रिगार्डिंग इसके बारे में जानना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसे मैं टैप करता हूँ, तो टैप करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है नीड टू बी, यहाँ पे देख सकते हैं लॉगेड इन दी यूज यहाँ पे सर्विस, यानी कि आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर होना पड़ेगा, लॉग इन होना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है रजिस्टर हो जाता हूँ, मतलब लॉग इन हो जाता हूँ, देन यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉपअप आएगा तो अलाउ कर देना, देन अलाउ के बाद में यहाँ पे ऑल टाइम नहीं वेन आई यूज द ऐप, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप किसके थ्रू यहाँ पे लॉग इन होना चाहते हैं। तो चलिए मैं फेसबुक के थ्रू यहाँ पे रजिस्टर हो जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया क्लिक, देन क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा जिसमें आपके फेसबुक पेज पे ले जाया जाएगा, और फेसबुक पे ले नहीं जाएगा मतलब कि आपके जो है प्रोफाइल है उसको रिकवर करेगा, देन इसमें इंसर्ट करेगा। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देन कंटिन्यू पे टैप करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। तो एप्लीकेशन भैया एकदम से बिल्कुल मतलब कि सरकारी योजनाओं से रिलेटेड, सॉरी वी कांट फाइंड, यहाँ पे देख सकते हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल, तो चलिए हम लोग अदर यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टैप कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन पे, रजिस्टर पे, ठीक है, तो टैप कर देता है, टाइप करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है कि लेट स्टार्ट, तो सब यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है, तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे जो है अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर बात की तो आपको मिल जाता है एक छोटा सा एग्री या टर्म्स एंड कंडीशन, देन यहाँ पे मैं टैप कर देता हूँ और फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप कर देना है। देन टैप करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जिसमें लोडिंग, और इसके बाद में जो है छोटा सा एक OTP आएगा, देन OTP आने के बाद में ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 6354000, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं चलिए नेक्स्ट पे टैप कर देता हूँ, देन टैप करने के बाद में यहाँ पे देखें तो एप्लीकेशन में लोडिंग हो रहा है और फिर ये शुरू हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जो है सर्च वगैरह करके जो भी हम लोग करना है अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, थर्ड आइकन का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अब चलिए हम लोग आधार कार्ड से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे करना था तो ऑल सर्विसेज, अब यहाँ पे मैं आधार पे टैप करता हूँ जैसे कि हम लोग को लॉगिन होना था, देन यहाँ पे टैप कर दिया, देन टैप करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे बात किया जाए तो देख सकते हैं आधार कार्ड का फिर से लॉगिन यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, इस पर मैं टैप कर देता हूँ, देन टैप करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जो कि यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सर्चिंग करने के बाद थोड़ा सा नेट स्लो है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
उसके बाद में यहाँ पे अगर बात की, जैसे कि मैंने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, तो जो भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं उसके बारे में जान सकते हैं। और उसके बाद में गैस योजना सब्सिडी वगैरह से रिलेटेड आप जो भी उसे रिगार्डिंग आप यहाँ पे मैनेज करना चाहते हैं आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पोर्टल की अगर बात की तो ये पोर्टल अभी नहीं ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये पोर्टल क्यों नहीं ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं टाइम की अगर बात की तो भैया देख सकते हैं 6:50 हो गए, 50 मिनट यानी कि 7 बजने के आसपास है। तो भैया यहाँ पे ऑफिशियली अगर बात की तो 4 बजे तक ही रहता है, तो ये देख सकते हैं। अब अगले अगर हम लोग बात किया जाए तो चलिए देख लेते हैं किसी और भी यहाँ पे स्कीम्स के बारे में जो कि हम लोग के लिए बेनिफिट हो। और अगर बात किया तो देख सकते हैं ये हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार के लिए जो भी चलाया जा रहा है। तो आप जाकर के प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके बारे में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट दिखता है। जैसे कि इसमें मैंने बताया कि आप जो है 1,00,000 रुपीज जो है आप इसमें पा सकते हैं, और इसके लिए क्या करना होगा, प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। अबाउट यहाँ पे देख सकते हैं पीएमए, यहाँ पे अर्बन, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे लॉगिन होने के बाद में आपको सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। तो नो मोड यहाँ पे देख सकते हैं पीएमए वे, तो इस पे टैप करने के बाद में देन रजिस्टर हो जाना है। रजिस्टर होने के बाद में जो है भैया सब कुछ मैनेज करके आपके सीधे डायरेक्टली बेनिफिट जो है आपको मिलेंगे, इससे रिलेटेड किसी और को नहीं मिलेगा। और प्रोसेस की अगर बात की तो यहाँ पे आपको प्रोसेस पूरा क्लियरली बताया जाता है जिसके थ्रू आप जो है इसको ले सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि 1,00,000 रुपीज जो है आप यहाँ पे पा सकते हैं इसके थ्रू, और देन यहाँ पे आप जो है अपना होम बनवा सकते हैं खुद का। तो है ना कमाल का वीडियो। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, मिक्सी के साथ। टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए। चैनल को सब्सक्राइब किया।